हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। ठीक है, ये जो 25% दोस्तों आप लोगों को लॉस हुआ है वो रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं एक बार और आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले पता चलता है कि ये स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होने वाला है तो आप एग्जिट कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। उसी तरह आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, आज के डेट में वोडाफोन आइडिया में 25% की गिरावट है दोस्तों। 25% की बहुत ज्यादा हेवी गिरावट है, कंपनी बंद, मतलब कहानी खत्म हो चुकी है। सपोज मान लीजिए दोस्तों, सपोज मान लीजिए जिन्होंने भी वोडाफोन आइडिया को खरीद रखा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं बोल रहा हूँ, अब आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गया है। कौन सा अपॉर्चुनिटी निकल गया है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बाय करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सारे सेल सेलर्स हैं, सारे सेलर्स हैं। ठीक है, अब आपको हेवी नुकसान हुआ। ठीक है, और ये जो मैंने आप लोगों को अपना YouTube का प्लेटफॉर्म दिखाया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ही नीचे जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे, 1 day ago, मतलब एक दिन पहले। एक बार मैं और बोलना चाहता हूँ, मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने क्या बोला, दो बार बोला कि हमारे YouTube चैनल में एक दिन पहले बताया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब एक दिन पहले पता चलेगा तब तो आप जड़ को पकड़ोगे, तब तो आप पकड़ोगे ना कि ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला। तो यहाँ पर देखिए, आपको साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, 1 day ago, और यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है आइडिया के, यहाँ देखिए Q3 में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, सावधान, कंपनी डूबने वाला है, अगर आपने इसमें खरीदा है तो निकल जाइए। देखिए आपके सामने मैं वीडियो प्ले करता हूं, ये देखिए। सॉरी, वो एडवर्टाइज आ गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों वीडियो का थंबनेल, ठीक है, Q3 में वोडाफोन आइडिया को लॉसेस हुआ, और मैंने यहाँ पर देखिए जो हरे रंग में लिखा है, मैंने साफ साफ बोला है दोस्तों, अगर आपने खरीदा है तो बेच कर निकल जाओ, मतलब सेल कर दो, निकल जाओ वहां से। ठीक है, और यहां पर मैंने ये भी बोला, सावधान, अब कंपनी डूबने वाली है। यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर देख लीजिए, सावधान, वोडाफोन आइडिया Q3 में बहुत ज्यादा लॉस है, अगर आपने खरीदा है तो बेच कर निकल जाओ क्योंकि कंपनी डूबने वाली है। यहां पर देख लो, डूबने वाली। ठीक है, डेट में सबसे पहले आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, यहां पर देख लीजिए दोस्तों, 13 फरवरी को, आज है 14 फरवरी। ठीक है, आज है 14 फरवरी, और ये रहा वीडियो, आप लोगों को प्ले करके भी दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर कि एक दिन पहले बताया जाता है या नहीं बताया जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में दोस्तों। इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, और इसका शेयर प्राइस मतलब कि दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों कि ये कंपनी। देखा दोस्तों मैंने क्या बोला, कि इसका शेयर प्राइस दोस्तों वो बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है, बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है। थोड़ा सा एक बार और, इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, और इसका शेयर प्राइस मतलब कि दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों कि ये कंपनी बंद भी हो सकती है। ये मेरा खुद का मनगठन कहानी नहीं है दोस्तों, जैसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया दोस्तों बंद होने के कगार पर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक का प्राइस कुछ अजीब सा यहाँ पर आपको दिखा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है पूरा। और अगर आज का देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हाइएस्ट और लोएस्ट की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक ओपन हुआ था 4.50 में, हाइएस्ट गया था 4.55 में, लेकिन लोएस्ट गया था दोस्तों 4.40 में, मतलब कुछ भी ज्यादा मूवमेंट नहीं, हल्का फुल्का जो हो रहा था थोड़ा बहुत हुआ है। और रिजल्ट यहाँ पर देख लो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो वोडाफोन आइडिया Q3 रिजल्ट है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 6,453 करोड़ का जो। तो यहाँ पर आपने साफ साफ देखा दोस्तों, मैंने ये वीडियो में क्या बोला कि शेयर का प्राइस तो बहुत तेजी से गिरने वाला है, और दोस्तों कंपनी भी बंद होने के कगार पे है। ठीक है, और आज देख सकते हैं यहाँ पर 25% का नुकसान है आप लोगों के सामने। 25% का मतलब समझते हो दोस्तों, अगर आप, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दोस्तों मतलब डेली 4 या 5% निकाल पाते हैं, क्योंकि दोस्तों 5% मार्केट में अर्न करना बहुत मुश्किल है, और 25% गवा देना सोच सकते हो कितना मतलब कि ईजी है दोस्तों। तो मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियोज़ को फॉलो किया करो, और कुछ भी मैं आपको नहीं बताना चाहता दोस्तों। अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होता तो दोस्तों ये जो 25% है, हो सकता था कि आपको पॉजिटिव में
में मिल जाता, पॉजिटिव में कैसे हो सकता है, आप फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे करके आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो सकता था। दूसरी बात, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आपने फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे नहीं किया लेकिन दोस्तों आप सेल करके निकल सकते थे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में इसमें छोटा सा मतलब लेकिन बहुत अच्छा रैली आया था, 11% का जो है इसमें अपर सर्किट देखा गया था। देखिए हाई मारा था 5.45 रुपीज़ का, ठीक है 5.45 का, और उसके बाद तो लोएस्ट देख लीजिए काम खत्म ही हो गया दोस्तों। जब इसको हाईएस्ट जाना है थोड़ा सा गया, लेकिन लोएस्ट जाना है तो पूरा खत्म ही हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों करोड़ों में लोग जो हैं टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, सब लोग सेल करना चाहते हैं, सब लोग सेल करना चाहते हैं। तकलीफ की बात तो ये है, दुख की बात तो ये है कि मार्केट में अब कोई बायर ही नहीं मिल पा रहा है, जो अब किसको सेल कीजिएगा, अब आपके पोर्टफोलियो में ही स्टॉक जो है रहेगा, और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा आपका लॉस होते जाएगा, जितना भी कैपिटल है फंसा हुआ है आपका। और एक बात दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ जिन जो भी छोटे छोटे स्टॉक है आप उनके पीछे मत पड़ा करो। क्यों, पता क्यों है, आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, बहुत बड़ा रिस्क है। आपने 5 रुपये के स्टॉक में आपने पूरा पैसा लगा दिया, अगर 5 रुपये का स्टॉक अगर वो 1 रुपया भी गिरता है तो कितना हेवी नुकसान होगा ना, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन लोग जो हैं बड़े बड़े स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, ये सोच के नहीं लगाते हैं अरे यार उसमें तो मैं 10 क्वांटिटी खरीद पाऊंगा, लेकिन वो 10 क्वांटिटी का पावर नहीं उनको पता, क्योंकि वो क्वांटिटी वाला बिजनेस नहीं क्वालिटी वाला बिजनेस है। अगर आपने क्वालिटी को पकड़ लिया ना, क्वांटिटी क्वांटिटी जो है आपके पीछे झक मार के आएगी। ठीक है, तो यहां देखिए जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, फिर से मैं आप लोगों को प्ले करके आगे दिखा देता हूं। स्टॉक का प्राइस हो सकता है कि मतलब थोड़ा बहुत गिरावट हो जब मार्केट ओपन होगा, तो जिन्होंने दोस्तों हेवी क्वांटिटी में खरीदा है उनको नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, प्लीज ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों तो यहाँ पर देखा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या बोला कि जिन्होंने हेवी क्वांटिटी में खरीदा उनको तो बहुत नुकसान हुआ, और जिन्होंने नहीं खरीदारी किया भाई मैं तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत खरीदो। अरे यार मैं ना तुमको जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, मैं क्यों चाहूंगा कि तुम्हारा नुकसान हो जाए, मैं तो चाहूंगा कि भाई तुमको 2 पैसा फायदा हो जाए जिससे मुझे भी दुआ मिलेगी। और क्या मिल सकता है, मान लो कि मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको प्रॉफिट मिलता है, मुझे क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं यहां पर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई गलत रास्ता है, ये गलत स्टॉक है, निकल जाओ। कि आज के डेट में देखिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आज के डेट में 25% का नुकसान है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं गेम चेंजर ला दूंगा दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा। जब दोस्तों इसका जब क्या बोलते हैं 13 रुपीज़ का प्राइस था ना, 13 रुपीज़ का प्राइस था ना, तब से मैं वीडियो बना के बोल रहा हूँ भाई वोडाफोन आइडिया से निकल जाओ, 15 रुपीज़ का टारगेट था, टच हो चुका है, निकल जाओ। मैंने यहाँ तक कि टारगेट भी बताया था कि दोस्तों जो वोडाफोन आइडिया वो 13 रुपीज़ तक जा सकता है, 13 या 15 तक, उसके बाद ही इसमें गिरावट आ जाएगी, निकल जाओ, टारगेट भी बताया था। और 15 रुपये से आज यहाँ पर 5 रुपये भी नहीं बचा, बिलीव नहीं है, बस एक कमेंट कर दो कि हाँ भाई आप वीडियो का लिंक शेयर कर दो, मैं तुरंत दे दूंगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, आप इतना तो कमेंट कर ही सकते हो यार कि थोड़ा सा वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आपको हमारे पूरा वीडियो देखने के लिए यही चीज़ करना होगा जो टाइम टू टाइम आपके पास चले जाए। यहाँ देखिए आपने अपने यूट्यूब चैनल में जाइए दोस्तों, अपने यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाने के बाद ये जो सर्च बार है यहाँ पर आप सर्च मारिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, ये देखिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जैसे ही यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद ये आ जाएगा आइकॉन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों ये जो वीडियोस है वीडियोस आ जाएगा, वीडियोस में आपको जाना है, और वीडियोस में जाने के बाद आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हो, आप हमारे सारे वीडियोस को जो है पेपर ट्रेड कर सकते हो सारे वीडियोस को, ठीक है। और टाइम टू टाइम यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, 12 आवर्स पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, 1 डे अगो मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, फिर यहाँ देख लीजिए 1 डे अगो जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 डेज अगो मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, ठीक है। अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सुबह ही में ही यहाँ पर देख सकते हैं पाउडर पिगमेंट का, मैंने जो ये कंपनी का बोला था दोस्तों, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, कमा कर देने वाला है ये शेयर, ठीक है कमा कर देने वाला है ये शेयर, 12 घंटा पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों पिगमेंट का अभी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 से 6% का अपर सर्किट लगा हुआ, तो इसमें प्रॉफिट है। तो मैंने बोला इसका प्राइस डिक्रीज होगा तो डिक्रीज भी हो गया, इसको बोला इंक्रीज होने तो इंक्रीज भी हो गया, आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेड कर सकते हो, सारे वीडियोस के आपके हाथ में है, देखो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, चलना बस आपको है। और एक चीज़ मैं आपको हरदम बताता हूँ ना,
हर एक बार मैं आपको रिपीट कर करके बताता हूँ भाई, ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, शेयर मार्केट में आपको नुकसान करने का संभावना बहुत ही कम रहेगा। ये नहीं बोलता हूँ नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान करने का संभावना घट जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो है यूट्यूब चैनल का नाम नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए एक बंदे ने थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड मारा, बताया वोडाफोन आइडिया आज 39% क्यों गिरा। मतलब कि दोस्तों जो भी है बताना चाहता है क्यों गिरा। तो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि इस वोडाफोन आइडिया का प्राइस क्यों गिरा, और हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बता दिया जाता है कि भाई इसका प्राइस गिरने वाला है, निकल जाओ, अगर आपने खरीदा है तो बेच के निकल जाओ, नहीं खरीदा तो रिक्वेस्ट करता हूं मत खरीदो। मतलब ये वीडियो में आपको पास्ट परफॉर्मेंस बताया जाता है क्या हो चुका है। अभी तो आप भी बता सकते हो कि वोडाफोन आईडिया में 25% का गिरावट है, अगर आपको कल ही पता रहता कि इसका गिरावट होने वाला तो आप खरीदते नहीं खरीदते। उसके बाद यहां पर देख लीजिए किसी ने वीडियो अपलोड किया था छोटा सा, यहां पर देख लीजिए, यहां बताया जा रहा है वोडाफोन आईडिया 4 या 40, 4 रुपये से 40 रुपया हो जाएगा। तो देखिए ऐसे वीडियो से थोड़ा सा झक मार के बचिएगा। और एक दो नमूने ऐसे भी है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है इंदुसेंड बैंक लुढ़का, यस बैंक लुढ़का, जानिए बैंक और ऑपरेटर का काला सच। भाई जब आपको पता ही था काला सच तो लोग तो अब डूब चुके हैं, डूबने के बाद अब क्यों बता रहे हो, डूबने के बाद तो सबको पता चल जाता है। तो मैं ये बस बोलना चाहता हूँ, अगर इंदुसेंड बैंक, यस बैंक का प्राइस गिरने वाला था तो ये वीडियो में इनको ये बताना चाहिए था कि भाई इसका प्राइस जो है गिरने वाला है, आप निकल जाओ, तो क्या होता, आप लोगों को बेनिफिट भी होता। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्यों गिरा, क्या फ़ायदा जब कहानी खत्म हो गई, रामायण खत्म होने के बाद पूछते भाई सीता कौन है, ये तो आपने हर जगह पूछा, आपने हर जगह सुना होगा यही चीज़। यहाँ पर आप समझ जाओ भाई, आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यस बैंक में यहाँ पर देख लीजिए 6% की गिरावट, ये देखिए 6% की गिरावट। भाई गिरावट हो चुकी है ना, जिनको नुकसान होना था उन्होंने तो नुकसान बुक कर लिया, जिनको लॉस होना था लॉस हो चुका, कहानी खत्म, रामायण खत्म, चलो अब निकलो यहां से। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिन पहले पता चल जाए जिससे आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, तो आप हमारे पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपके पास जो ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है व्हाट्सअप का। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों नीचे वाला, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा। और एक बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है ना, तो फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे मत करो, इन्वेस्टमेंट करो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।